सोनीपत में नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला एसवाईएल के मुद्दे को लेकर 1 मई से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर रही है और चौटाला वकीलों से समर्थन मांगने के लिए सोनीपत पहुंचे। इस मौके पर चौटाला ने कहा कि हम हर वर्ग के पास जाएंगे और समर्थन मांगेंगे। वहीं इस मौके पर बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार मुक्ति करने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अगर सभी मंत्रियों के विभागों की जाँच करवाई जाए तो सभी में घोटाले सामने आएंगे। वहीं केंद्र सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। अभय चौटाला ने कहा कि एसवाईएल का मुद्दा पूरे प्रदेश के लिए है, इसलिए हर वर्ग से समर्थन मांग रहे हैं और 1 मई से जेल भरो आंदोलन शुरुआत करेंगे और सरकार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करने के लिए मजबूर करेंगे। हमने 7 मार्च को दिल्ली के अंदर लाखों किसानों को लेकर के गए थे और देश के प्रधानमंत्री से लाखों किसानों के माध्यम से आग्रह किया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप लागू करो और इस नहर का निर्माण जल्दी से जल्दी शुरू करवाने का काम करो। हमने 1 मई तक इस नहर का निर्माण नहीं शुरू कराया तो हम 1 मई से प्रदेश के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और हम उसमें जेल भरो आंदोलन शुरू करके इस आंदोलन को तब तक चलाएंगे जब तक हरियाणा प्रदेश के किसान को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल जाए। उसी कड़ी में कि उस आंदोलन का हिस्सा हर वर्ग के लोग बने, हमने पूरे प्रदेश की 12 एसोसिएशन के कार्यक्रम बनाए। हम हर डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे और वकीलों से इसके लिए समर्थन मांगेंगे। जेल में जाना चाहिए ताकि केंद्र की सरकार प्रदेश की सरकार को मजबूर होना पड़े। हम केवल वकीलों तक नहीं सीमित रहेंगे, हम प्रदेश के हर वर्ग के लोगों के बीच में जाएंगे। हम जो कर्मचारी है हमारे उनके बीच में भी जाएंगे, हम उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं प्रदेश भर के उनके बीच में भी जाएंगे, हम उसके साथ साथ जो स्कूलों के टीचर्स हैं, कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं हम उनसे भी जाके मिलेंगे, हम आप जैसे पत्रकार साथियों की भी एक कन्वेंशन करेंगे, हम आपको भी इस चीज़ का हिस्सा बनाना चाहेंगे। ये प्रदेश की लड़ाई है, ये कोई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की नहीं है, इसमें पूरे प्रदेश के लोग जब इकट्ठा होकर के लड़ेंगे तो 100% केंद्र की सरकार को मजबूर होकर के नहर को निर्माण को करवाना पड़ेगा। आज अगर उस मुख्यमंत्री के मंत्रियों की डिपार्टमेंट की अलग अलग जाँच करा ली जाए तो एक भी मंत्री ऐसा नहीं बचता जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है।